साथियों एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में स्वागत है। साथियों जो भर्ती प्रकरण चल रही है इस समय 72825 अभी कल जो है सुप्रीम कोर्ट डबल बेंच कलकत्ता का एक आर्डर आया है। आर्डर 2016 में भर्ती हुई, किस सन में 2016 में। हम लोगों की भर्ती कब चालू हुई 2014 में, उसमें ये कहा गया इसमें 25,000 लोग हैं, 26,000 कुछ की भर्ती है, 26,000 कुछ की भर्ती है, और इसमें ये कहा गया कि 25,000 ऐसे लोग की भर्ती हो गई जो पैनल के तहत है ही नहीं, जो फार्म ही नहीं डाले हैं, सेम कंडीशन यहाँ ये हो गई। 2014 में यहाँ चीला मिला, ऐसे लोग इसमें नौकरी कर रहे हैं जो फार्म ही नहीं डाले हैं, चलो इसने तो कोर्ट में दे दिया। लेकिन 26,000 की भर्ती हुई जिसमें 25,000 ऐसे लोग भर्ती हो गए जो ना पैनल में थे ना कभी फार्म डाले, खाली वो ओमार सीट छोड़ के चले आए, अब इसमें यह हो गया इस भर्ती को निरस्त कर दी गई, अब आप ये बताइए कोलकाता हाई कोर्ट का आदेश, इसी आदेश को जब हम सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे कि माइलार्ड जब 2016 की भर्ती है, इस भर्ती में धांधली हो सकती है, इसकी निरस्त की जा सकती है, क्या हमारी भर्ती में ऐसा नहीं है? ठीक है, हम प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे उसमें प्रूफ हो गया। लेकिन जो इन्होंने आदेश दे दिया, आदेश क्या दिया है, आदेश में इन्होंने कहा 13 साल हो गया इसलिए हम इनको नियुक्ति नहीं कर सकते। क्या 13 साल हो गया तो नियुक्ति नहीं, पहली बार तो 13 साल हुआ नहीं। 2016 कलकत्ता में सीबीआई जांच हो सकती है, 2014 की हमारी भर्ती है, इतना दिन हो गया हम योग्य हैं और नौकरी हमको नहीं। जिन लोग नौकरी कर रहे हैं उनका डिटेल दिया जाए, साइट पे डाला जाए, यही हमारी डिमांड है। पहला हमने जो प्रेयर किया है, हम अगर हम काउंसिल्ड है, योग्य है, मेरे अलावा ये दूसरे को नौकरी मिल गई तो उनका डिटेल क्या साइट पे डाला जाए। अब जब डिटेल साइट पे आएगी तब एकदम क्लियर कट पता चल जाएगा कि आखिर में कैसे लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं। तो यहाँ हारी नहीं है ना, यहाँ जीत सुनिश्चित है। सुप्रीम कोर्ट में इसलिए जीत सुनिश्चित है क्योंकि यहाँ मैटर फंस गया है, क्योंकि 12091 के लोगों को नौकरी नहीं दी, लिस्ट बन गई। उसके बाद जो काउंसिल्ड थे, काउंसिल्ड वालों को भी नौकरी नहीं दी। अब ये दोनों बाहर हो गए। कितना हुआ 2014 से भर्ती चालू हुई है, भर्ती कंप्लीट हुई 2016 से, में ही आ गया कलकत्ता का। क्या कलकत्ता का हाई कोर्ट का आदेश अपने आप लग जाएगा? जब आर्गुमेंट होगी, डिस्कस होगी तो अपने आप लग जाएगा, क्योंकि हाई मेरिट वाला, काउंसिल्ड वाला बाहर बैठा हुआ है और नियुक्ति किसने पाया? ठीक है, तुम कह रहे हो हाई मेरिट चली गई, तो उन हाई मेरिट का हमको डिटेल दिया जाए, उन हाई मेरिट का जहां जहां गई है वो हमको पूरा प्रूफ दिया जाए कि आखिर में ये हाई मेरिट कहां से आया, उनकी जांच बैठाई जाए। जब हम काउंसिल्ड करा के बैठे हुए हैं और नौकरी को कर गया तो सेम कंडीशन कलकत्ता हाई कोर्ट का अब बहस हो जाएगी। अब अगली फाइल में जो हमारी दूसरी फाइल बन रही है, पहले चली गई, दूसरी फाइल में इन सारी मुद्दों को जो कलकत्ता का हाई कोर्ट का आदेश है उसको भी हम लगा देंगे, क्योंकि आदेश आ गया तो माइलार्ड अब ये कह नहीं पाएंगे कि जो हम जांच नहीं बैठ सकते या डाटा हमने डाटा अब आपको शेयर करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पे बहुत राहत मिलेगी और कहीं ना कहीं हम लोग को सफलता उस मिल जाएगी। तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं, दूसरी बात यह है अगर कहीं भी आप जुड़े हो, हमने कहा मेरे पास जुड़ सकते हो, बहुत सारे साथी नए लोग आए हुए हैं जो पहली फाइल में आधे वही लोग है, लगभग 50 लोग नए लोग जुड़ गए, शेष अभी हमारे 50 आई है, शेष दूसरी फाइल बन रही है, तो दूसरी फाइल में भी है। हमारे यहाँ जितने भी लोग जुड़ रहे हैं कोई भी आईए में नहीं जुड़ रहा है, सब लोग रीट में जुड़ रहे हैं। रीट में जुड़ने से आपको रीट पे ही नोटिस जारी होगा, रीट पे ही बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आपकी व्यवस्था है तो रीट में जुड़ जाओ, व्यवस्था नहीं है तब आईए में जुड़ो। हमारे यहाँ कन्फर्म बता दिया जा रहा है
कि आपको आईए में डालना है कि आपको रीट में डालना है। तो कोशिश हम यही करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग रीट में ही जुड़े, क्योंकि जो लोग आईए डाले थे हाई कोर्ट में वो एक्सेप्टेबल नहीं है। जो हाई कोर्ट में आईए में किसी के द्वारा जुड़ गए, या आपको बताया नहीं गया, धोखे के माध्यम से आपको जोड़ा गया, या आपको ये कह दिया गया कि ये सीनियर है, जूनियर को ही सीनियर बता दिया गया। हमारे पास कंटिन्यू फोन आ रहा कि सर बताइए ऐसे, तो हमने कहा कि जब आपको ये पता हो गई थी कि जूनियर को सीनियर बताया जा रहा, तो क्या आपकी आंख नहीं खुली थी? तब उस समय लोग बंद हो जा रहा है। अब इस समय अनर्गल अलाप करने के क्या लाभ है जब आपको आईए में जुड़े हुए हैं, अगला नौकरी कर रहा है, अगला पेशेवर हो गया है, तो आपको लाभ कैसे मिलेगा? तो सही लोगों के साथ जुड़िए जो लड़ रहा है। हमारा संसाधन कम था, फिर भी खरे साहब को साथ जुड़े हुए हैं, खरे साहब को लेके गए, कम संसाधन में लेके गए। अब आपका ये प्रूफ आपको देना हो तो कोर्ट में 13 तारीख को जो मौजूद था उसे पूछिए। दूसरी प्रूफ लेना तो ट्रांजैक्शन आईडी होता है, और कौन प्रूफ होता है, जाके खरे साहब के आवास पे पूछ लीजिए कि अखिलेश्वर मठ त्रिपाठी 227 सेल्फी में आप खड़े थे कि नहीं खड़े थे, इससे ज्यादा प्रूफ क्या है? उनसे मुंशी से पूछिए, चैम्बर नंबर 40 कोर्ट नंबर 40 में, या अश्विनी मिश्रा के बेंच में 13 तारीख को कौन से केस लगे थे, उनका डिटेल आप निकाल लीजिए। तो ये जब सारे सही हो रहा है तो आप सही के साथ जुड़िए। सुप्रीम कोर्ट में हमने फिर कहा सीनियर हमारी जाएंगी तो सीनियर जाएंगे। हमारे पैनल भी हम सोच रहे हैं कि अगर संख्या हमारी जुड़ जाएगी तो पैनल भी खड़ा करने की कोशिश करेंगे। बढ़िया पैनल रहेगा तो लाभ अवश्य मिलेगा। तो हमारा तो सीनियर फिक्स है, जाना जाना है, लेकिन ऐसे लोगों से सावधान हो जाए जो जूनियर को सीनियर कह दे रहा है। तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। धन्यवाद।